Hello, aspirin. तो है बच्चे लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुब्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार अभी कुछ देर पहले हमने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का वन शॉट रिवीजन वीडियो कंप्लीट किया है। एंड नाउ अभी हम इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, एसएसएन रीजनिंग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आई होप यार ये जो साइंस का ये आपके लिए जो स्पेशली डिजाइन किया गया था ये यलगार बैच आपको पसंद आ रहा होगा और आप लोग का सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल रहा होगा, है ना। और इसी के साथ आज की वीडियो के साथ यार क्लास 10th का साइंस का यलगार बैच यहां पे होता है ओवर। हमने इस बैच में काफी सारे अच्छे रिवीजन वीडियोस देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस किया और ये पूरा का पूरा जो कोर्स था स्पेशली डिजाइन फॉर टर्म वन एग्जाम। ठीक है, आई होप आपने इसका पूरा भरपूर फायदा उठाया होगा इस यलगार बैच का। हमने इसमें काफी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने कंटेंट, जो भी हमारे जो पेडेबल कंटेंट है, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट में आप बच्चों को प्रोवाइड कराया है, बट फ्री में नहीं, थोड़ी सी मेहनत को आप चाहो तो परचेस भी कर सकते हो। टर्म वन के अकॉर्डिंग काफी सारे हमारे नोट्स और एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट वगैरह डिजाइन किया गया है, बहुत चीपेस्ट प्राइस पे आप उसको परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आप उसको एनरोल कर सकते हो। कैसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करो, एक क्विज मिलेगा, उस क्विज को कंप्लीट करो और पास होना जरूरी है। अगर आप पास हो जाते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा एडुब्रोन की तरफ से, उसको शेयर करना है आपको अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे विथ हैशटैग एडुब्रोन एंड हैशटैग एडुब्रोन यलगार। साथ ही साथ हमें भी शेयर करना है support@edubrone.in पे, या फिर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भी शेयर कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट करेगी एंड देन आपको जो भी फ्री कंटेंट हो सकता है वो आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आई होप आप इंजॉय कर रहे होगे। तो यार लेट नहीं करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया ये जो कोर्स है स्पेशली टर्म वन के अकॉर्डिंग डिजाइन हुआ है, क्योंकि यहां पे सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं या एसएसएम रीजनिंग एमसीक्यूज जो बन सकते हैं वो उसकी आज अपन प्रैक्टिस करा रहे हैं। सबकी नहीं, अपन मुश्किल से 25, 26, 27 क्वेश्चन के आसपास हम अपन इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। बट ट्रस्ट मी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए ऐसे क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल लेट नहीं करते हैं और स्क्रीन पे आ रहा है आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो यार बच्चा लोग, मैं आंसर बताऊं उससे पहले आपका कमेंट आ जाना चाहिए, है ना। या तो यार देखो दो तरीके से ये वीडियो देखो, अदरवाइज मत देखो, मैं सीधे बता रहा हूं। ट्रस्ट मी, मैं चाह रहा हूं कि यार आपको एक ही बार आप चीजें पढ़ो और लॉन्ग टर्म तक याद रहे, है ना। क्यों बार बार टाइम वेस्ट करना, है ना। मुझे शौक है नहीं अपने वीडियोस पे जम के व्यूज बढ़ाने का, है ना। आप एक ही वीडियो को 50 बार देखो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियोस को जस्ट वन बार देखो एंड देन आपको जरूरत ना पड़े उस चीज की। ठीक है, तो यार क्या करो उसके लिए, पहला चीज ये कर सकते हो यार, जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उन क्वेश्चंस को लिखो और जो आंसर है उनको नीचे लिखो। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, इस तरीके से अपना नोट्स कंप्लीट करो। दूसरा तरीका ये है, चलो मन नहीं है अभी, बस आपको उतना लिखने पढ़ने का है ना, बस आपको नॉलेज गेन करना है, तो जस्ट आपको सामने जो भी क्वेश्चन आ रहा है पॉज करो वीडियो को, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन देखो और जो आंसर है उसको तुरंत कमेंट करो। एक्टिव रहोगे तो ही यहां घुसेगा, हाथ चलाओगे तो ही यहां घुसेगा और तभी ये लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। यही दो तरीका है, जो चाहे वो आप यूज करो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हेन लाइट ऑफ क्या है भाई, ओके, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल ऑन द ग्लास प्रिज्म द कलर ऑफ लाइट व्हिच विल डेविएट लीस्ट इज। बताओ भाई, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो हमें पता है वहां पर डिस्पर्सन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, 7 कलर ऑफ बैंड दिख जाते हैं, है ना। और उस कलर ऑफ बैंड में सबसे ऊपर क्या रहता है हमारा, रेड, है ना। विबग्योर, ऐसे VIBGYOR, विबग्योर इस तरीके से, है ना। सबसे ऊपर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू,
इंडिको वॉयलेट लास्ट में, तो वही कह रहा है कि रेड लाइट जो है ना, द कलर ऑफ लाइट विच विल डेविएट, सबसे कम कौन सी लाइट डेविएट कर रही है, तो ऑप्शन इज रेड, है ना। अब प्रिज्म पे बच्चा लोग, प्रिज्म पे जो लाइट आ रही है सबसे कम कौन सी कलर डेविएट हो रही है, रेड, और सबसे ज्यादा यहां पे वॉयलेट, है ना। चलो ये क्वेश्चन हो गया, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि द स्टार अपीयर शिफ्टेड फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू फिनोमेनन ऑफ, है ना। ये आपका अर्थ का सरफेस है, आप यहां पे कहीं खड़े हो, अर्थ का मतलब ये आउटर पार्ट है, लाइक दिस, है ना। अब स्टार एक्चुअल में रहता है कहां भाई, यहां पे, बट आपको क्या स्टार दिखता है यहां पे कहीं, ऐसा क्यों होता है, स्टार एक्चुअल यहां पे है बट आपको दिखता है स्टार ये कहीं कुछ यहां, ऐसा क्यों, इसलिए बिकॉज ऑफ ये जो लाइट आ रही है, ये यहां पे काफी सारे हमारे एटमॉस्फेयर है, अलग अलग एटमॉस्फेयर, अलग अलग मीडियम में लाइट जा रही है, हमें पता है जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कुछ ना कुछ डेविएट करती है, करती है ना। सो यहां पे क्या बताओगे, ये क्यों ऐसा हो रहा है, स्कैटरिंग की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से, या डिफ्रैक्शन की वजह से। यस द करेक्ट आंसर इज रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। अलग अलग लाइट अलग अलग मीडियम में जा रही है, अलग अलग एटमोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, सबका मीडियम अलग अलग है, किसी में एयर ज्यादा है, किसी में वाटर मॉइस्चर ज्यादा है, तो भाई जाहिर सी बात है रिफ्रैक्शन की वजह से बेंडिंग ऑफ लाइट आपको देखने को मिलेगा। सो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से एक्चुअल पोजिशन आपको थोड़ा सा अलग दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू फिनोमेनन ऑफ, स्काई का जो ब्लू कलर होना वो कौन से फिनोमेनन बताता है, रिफ्लेक्शन बताता है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, या लाइट का स्कैटर्ड होना, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा आंसर। मेरे हिसाब से यार स्कैटरिंग होना चाहिए, स्कैटरिंग होना चाहिए, है ना। चलो भाई बताओ स्कैटरिंग सही है, सही, ठीक है, यस ऑफकोर्स सही है यार, स्काई का ब्लू कलर का होना, सनसाइट, सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो स्काई रेड कलर का हो जाता है, दिस इज ऑल्सो फॉर स्कैटरिंग, है ना। तो याद रखना ये सब चीजें, स्कैटरिंग, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ओके। चलो अपन ने वन शॉट वीडियो में बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ा था, आई होप आपको याद होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट द पैसेज ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, है ना। इनमें से बताओ ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही मेथड रिप्रेजेंटेशन मेथड है टू रिप्रेजेंट द व्हाइट लाइट फॉर सेवन कलर्स के लिए। तो देखो यार यहां पे व्हाइट लाइट आ रहा है और इस तरीके से रेड सबसे ऊपर और वॉयलेट नीचे जा रहा है, यहां पे वॉयलेट ऊपर, भाई ऊपर सब, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये तो सिंगल लाइट तो नहीं, व्हाइट लाइट डालोगे तो ये भी नहीं, तो यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब भी व्हाइट लाइट जाता है प्रिज्म में तो लीस्ट डेविएशन रेड, तो रेड ऊपर रहता है और वॉयलेट नीचे रहता है, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल नो डिस्पर्सन टेक प्लेस व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू इट, कौन से केस में डिस्पर्सन नहीं होगा, जल्दी बताओ, प्रिज्म में, ग्लास स्लैब में, ये प्रिज्म में, या इस तरीके के प्रिज्म में। तो बच्चा लोग डिस्पर्सन की बात करें तो जब भी हमारा व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म में टकराता है तो उसके बाद वो सेवन लाइट का बैंड बनाता है ना इस तरीके से, तो इसी फिनोमेनन को डिस्पर्सन कहते हैं। तो ये प्रिज्म ही से देखने को मिलता है तो ग्लास स्लैब में तो दिखेगा नहीं, तो ऑप्शन बी यहां पूछा है, इन विच ऑफ द केस विल नो डिस्पर्सन टेक प्लेस, तो ग्लास स्लैब में कोई भी डिस्पर्सन नहीं दिखेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, एट नून द सन अपीयर व्हाइट, मतलब 12 बजे के आसपास आप देखोगे ना, 12 पीएम के आसपास, रात में नहीं दिन में, तो सन आपके ऊपर आ गया होता रहता आ जाता है, और जब आप सन को देखते हो तो बाकी टाइम के हिसाब से सन इस टाइम पे एकदम व्हाइट कलर का दिखता है, क्यों भाई ऐसा क्यों होता है, लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल द कलर ऑफ व्हाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, भाई अगर व्हाइट लाइट सारे के सारे अवे स्कैटर हो जाएगा फिर व्हाइट लाइट दिखेगा ही नहीं, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, ब्लू कलर ज्यादा होता था ब्लू कलर दिखता सन, फिर व्हाइट क्यों दिख रहा है, रेड कलर, इससे क्या ले लेना, सो लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्यों भाई, क्योंकि जब सन हमारे ऊपर आता है 12 बजे के आसपास, सन और अर्थ का डिस्टेंस पास होता है जिसकी वजह से लाइट की जो ट्रेवलिंग स्पीड है वो, मतलब जो लाइट का डिस्टेंस है वो भी कम होता है, इससे क्या होता है व्हाइट लाइट जो है वो ज्यादा स्कैटर नहीं कम स्कैटर करता है, जिसकी वजह से आपका जो सन है वो व्हाइट कलर का देखने को मिलता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, बताओ भाई रेनबो में, तो यार ऑप्शन यहां पे काफी सारे दिए हुए हैं, आप बताओ कौन सा आंसर होगा। याद करो जब मैं रेनबो पढ़ा रहा था अभी कुछ देर पहले वीडियो आई थी ना वन शॉट इस चैप्टर पे, तो रेनबो में मैंने बताया था तीन चीज देखने को मिलता है लाइट, सबसे पहले तो लाइट एंटर करती है यहां से इस तरीके से, तो यहां पे आपको देखने को मिलता है रिफ्रैक्शन,
रिफ्रैक्शन, उसके बाद लाइट फिर यहां से जाती है, तो यहां से निकल जाना चाहिए बट नहीं निकलता है बिकॉज ऑफ यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है ना। उसके बाद जब लाइट यहां से निकलती है तो बैंड कलर ऑफ बैंड लेके निकलती है, तो यहां पे क्या हो रहा है, स्कैटरिंग या डिस्पर्सन कह सकते हो आप, डिस्पर्सन हो रहा है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, या पहले डिस्पर्सन होता है फिर स्कैटरिंग या क्या, जल्दी बताओ। तो यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पहले रिफ्रैक्शन होता मतलब रिफ्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीन चीज देखने को मिलता है जब भी रेनबो फॉर्म होता है। एकदम अच्छे से बच्चा इस क्वेश्चन को याद करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है ना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाई वाटर ड्रॉपलेट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई डिफरेंट लेयर ऑफ वेरिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। ऑफकोर्स यही आंसर होगा, अब आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं। ट्विंकलिंग स्टार का ट्विंकल होना, स्टार कितना दूर है और उतनी दूर से जब लाइट आती है तो वैसे भी लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, उसके बाद हमारे एटमोस्फेयर में कितने सारे अलग अलग एटमोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, तो जब लाइट इसमें आती है तो इस तरीके से बैंड होते हुए हमारे तक आती है, तो ये बार बार बैंडिंग होने की वजह से ना स्टार हमको ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द क्लियर स्काई अपीयर ब्लू बिकॉज, जो क्लियर जब इसका बादल वगैरह नहीं होते स्काई को आप देखते हो तो स्काई पूरा ब्लू ब्लू दिखता है, ऐसा क्यों होता है। ब्लू लाइट गेट एब्जॉर्ब इन द एटमोस्फेयर, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द एटमोस्फेयर, वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ ऑल अदर कलर बाई एटमोस्फेयर, या लाइट ऑफ ऑल कलर इज स्कैटर्ड मोर देन द वायलेट एंड ब्लू कलर। यार ऐसा कैसे हो सकता है ना, अगर कोई लाइट आपको दिख रही है, अगर आपका स्काई ब्लू दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि ब्लू कलर की लाइट जो है ना वो ज्यादा स्कैटर्ड हुई है as compared to other lights, इसलिए वो कलर आपको दिख रहा है। सो क्या टिक मारोगे, ऑप्शन सी को कर दिया जाए, वायलेट और ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन लाइट ऑफ अदर कलर ऑफ द एटमोस्फेयर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट इन ईयर, रेड लाइट मूव फास्टेस्ट, रेड लाइट मूव ऑफकोर्स ज्यादा तेज मूव करता है तभी तो कम डेविएट करता है, ब्लू लाइट मूव फास्टर देन ग्रीन लाइट, ऑल द कलर ऑफ व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, येलो लाइट मूव्स विद द, देखो यहां पे व्हाइट लाइट के लिए पूछ रहा है तो ऑप्शन सी सीधे आप ट्रिक ला के आंसर कर सकते हो कि व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर्स होते हैं और जब व्हाइट लाइट मूव करता है तो उसके अंदर रहने वाले साले कलर साले बोला क्या मैंने, सारे कलर्स भी सेम स्पीड से मूव करते हैं, जब तक कोई डिस्पर्सन ना हो, जब तक वो लाइट अलग ना हो तब तक स्पीड विल बी अ सेम, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फ्लो फ्लो में पता नहीं क्या क्या निकल जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है बच्चा लो कि द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ टॉल बिल्डिंग आर रेड इन कलर, दिस कैन बी इजिली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज एमंग ऑल अदर कलर द रेड लाइट इज, यार जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, अपने स्कूल की बिल्डिंग्स देखना या बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है वो अपने ऊपर इस तरीके से एंटीना लगाकर ना उसमें एक रेड कलर की लाइट लगाती है, ये इस लगाती है ताकि हमारा जो एरोप्लेन वगैरह जब जाए तो उसको पता चल जाए, अगर मान लो एरोप्लेन हमारी इस हाइट पे जा रहा है, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर जो भी इस हाइट, तो भाई ये तो टकरा जाएगा, अंधेरे में क्या होता है कि समझ में नहीं आता कि बिल्डिंग की लाइट वगैरह बंद है तो समझ में नहीं आता कि यार कितनी हाइट पे हमें उड़ना है, तो ये रेड लाइट ब्लिंक करता रहता है, ये रेड लाइट कंटिन्यूस जलता रहता है, तो इनको आइडिया हो जाता है यार भाई यहां पे रेड लाइट जल रहा है यानी नीचे कुछ है तो भाई हमें इसके ऊपर ही उड़ना है, है ना। तो ऐसा रेड लाइट ही क्यों यूज करते हैं और कोई दूसरा कलर क्यों यूज नहीं करते, तो वही पूछ रहा है, द रेड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय स्मोक और फॉग, स्मोक और फॉग में वो ज्यादा स्कैटर करता है, तो यार स्मोक और फॉग में ज्यादा स्कैटर कर जाएगा तो फिर तो दिखेगा ही नहीं, है ना। इज स्कैटर्ड द लीस्ट बाय, यस यही ऑप्शन होगा, बाकी मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, ये ऑप्शन सही है कि ठंड के टाइम पे स्मोक मतलब फॉग आ जाता है, पॉल्यूशन जब चलता है गर्मी के टाइम पर तो स्मोक आ जाता है, फिर भी व्हाइट रेड लाइट हमें दिखता है क्योंकि स्मॉग हो फॉग हो चाहे कुछ भी हो रेड लाइट बहुत कम स्कैटर्ड होता है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो कम स्कैटर्ड होता है और लंबे डिस्टेंस तक वो रेड कलर दिखता है हमें, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयर ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट, सनराइज और सनसेट पे क्या होता है,
मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अभी डिस्कस किया था, स्काई का ब्लू होना है ना, सनलाइट का सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो स्काई रेड हो जाना आसपास, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो लाइट है वो ज्यादा स्कैटर्ड करता है एज कंपेयर टू अदर लाइट्स। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इस फिनोमेनन को कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू, है ना, डीप सी जो है सी में जो ब्लूइश कलर दिखता है आपको वाटर, ऐसा ब्लूइश कलर का ही क्यों दिखता है बताओ भाई? द प्रेजेंस ऑफ एलगे एंड अदर प्लांट, उसके अंदर जो पाया जाता है सी के अंदर एलगे या जो अदर प्लांट्स, फिर तो ग्रीन कलर का दिखना चाहिए ना, ग्रीन कलर, रेड कलर, पिंक कलर, फिर ये ब्लू क्यों दिख रहा है, ब्लू कलर का तो एलगे नहीं होते। अगला है रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द सी। सो गाइज अगेन द आंसर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का स्कैटर होना, ब्लू लाइट जो है वो ज्यादा स्कैटर्ड करता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो सरफेस है वाटर का वो हमें ब्लू ब्लू कलर का दिखने लगता है, बाकी सबको एब्जॉर्व कर लेता है वाटर, बट ब्लू कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड लाइट, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ रे थ्रू अ ग्लास प्रिज्म फॉर फोर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऑन एनालाइजिंग द डायग्राम ही इज लाइकली टू कंक्लूड दैट द इमर्जेंट रे जो है इज ऑलवेज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे, इज ऑलवेज पैरेलल टू रिफ्रैक्टेड रे, या ऑलवेज बैंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो देखो जाए यार, अगर मैं प्रिज्म बनाऊं तो ये रहा प्रिज्म, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे आता है इस, फिर ये स्ट्रेट रिफ्रैक्टेड रे, एंड देन ये जो बाहर निकलता है इसे ही अपन इमर्जेंट रे कहते हैं, इमर्जेंट रे कहते हैं। ठीक है, तो जब स्टूडेंट ने अलग अलग ट्रेसेस की बनाया अलग अलग एंगल पे, है ना, अलग अलग एंगल पे, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, तो उसको इधर के भी कुछ एंगल्स मिल रहे होंगे, है ना। तो इस सिर्फ चीज को देखने के बाद उसको समझ में आया कि जो इमर्जेंट रे हैं ऑलवेज बेंट एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के तरफ ही जो एंगल है सेम एंगल एंड द सेम नीचे की तरफ ही मूव करता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे, दैट इज कि इन द फॉलोइंग डायग्राम द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज शोन। ओके, दिख रहा है ये पूरी रेज ऐसे ही दिखती है। अब कह रहा है कि इन दिस डायग्राम द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन रिस्पेक्टिवली आर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो यार, यहां पे खूब सारे एंगल्स आपको दिख रहे होंगे फिगर में, तो यहां पे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमर्जेंस और एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। तो देखो यार, सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करते हैं, है ना, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये देखो वाई एंगल है ना, जब लाइट इंसिडेंट लाइट टकराती है तो यहां पे जो नॉर्मल बनता है, इस नॉर्मल से बनने वाला एंगल को ही अपन इंसिडेंट एंगल कहते हैं। सो हियर वाई इज द इंसिडेंट एंगल। नाउ इमर्जेंस एंगल, तो देखो ये नॉर्मल है, ये लाइट हमारा बाहर निकल रहा है, तो ये क्यू, ये नॉर्मल से ये इमर्जेंट रे का जो एंगल है दैट इज क्यू, तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस। एंड द एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि ये जो लाइट है हमारा इंसिडेंट रे है, जब ये प्रिज्म में जाना चाहिए था इसको किधर, इस तरफ, बट वो इधर बैंड हो गया बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वगैरह। उसके बाद जो इमर्जेंट रे जो बाहर निकल रही है उसका अगर उसको एक्सटेंड किया जाए तो ये एक एंगल बनाएगा पी, दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। अगला क्वेश्चन कहता है कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड, व्हाइट लाइट का जो स्प्लिट होना ये क्या बताता है? यस, डिस्पर्सन कहलाता है, इसे डिस्पर्सन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ध्यान में रखना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीजन बिहाइंड एडवांस सनराइज और डिले सनराइज, इसके पीछे का रीजन क्या है, है ना। हमें पता है कि हमें दो, हमारा सन अभी उगा भी नहीं होता, 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाता है कि सन उग चुका है, और दो सन डूबा नहीं रहता है ना, फिर भी हमें 2 मिनट पहले ही, मतलब 2 मिनट पहले ही हमें समझ आ जाता है कि सन हमारा डूब चुका है, बट एक्चुअल में सन डूबा नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से, डिस्पर्सन की वजह से, या रिफ्लेक्शन की वजह से? तो आंसर इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा दिखता है ना। हमारे आसपास एटमॉस्फेयर है, जब सन क्या रहता है, नीचे रहता है हॉरिजन से, तो फिर जब लाइट एंटर, सन की जब लाइट आती है तो इस तरीके से बैंड होते होते पहुंचती है हमारे तक, और हमारा एक्चुअल पाथ लाइक दिस, एक्चुअल में सन रहता है यहां और दिखता है हमें यहां, बिकॉज ऑफ एटमोस्फेयर है, इसके अंदर जो रिफ्रैक्शन होता है इसकी वजह से। सो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द राइट आंसर। चलो
आगे चलते हैं। 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, यहां पे कह रहा है कि आफ्टर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, अ स्टूडेंट मार्क द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन एज शोन इन द डायग्राम, द करेक्टली मार्क्ड एंगल आर। बच्चे ने क्या किया, एक उसने एक डायग्राम बनाया प्रिज्म का, टीचर ने प्रैक्टिकल लिया, प्रैक्टिकल में ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछे जाते हैं, अगर आपका फिजिकल प्रैक्टिकल होता ना स्कूल जाते तो बोलता कि रे डायग्राम बनाओ और सारे एंगल्स को मार्क करके बताओ, तो ये बंदे ने एक मार्क करके बताया। तो इसमें से कौन कौन सा सही है, तो सबसे पहले देखो इंसिडेंट एंगल जो है, क्योंकि इंसिडेंट रे जब आ रहा है नॉर्मल से बना रहा है तो दैट इज इंसिडेंट एंगल, तो एंगल आई तो एकदम सही बनाया है इसने। आगे देखो तो ये एंगल आर यहां पे है और एंगल आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिल्कुल गलत, ये तो आर तो गलत है। उसके बाद डी, इस डी को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और दैट इज डेविएशन, तो यहां डी और यहां आर होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। ये है जो ये इमर्जेंट रे है, नॉर्मल से ये एंगल ई बना रहा है, यानी इमर्जेंट एंगल बना रहा है एंड एंगल ई, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंगल आई और एंगल ई को ही इसने सही मार्क किया, बाकी तो उल्टा फुल्टा कर दिया बच्चे ने, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फिनोमेनन व्हिच इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट इन द स्काई, क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार सीम हायर देन द एक्चुअल एक्चुअली आर, एडवांस सनराइज और डिले सनसेट देखने को मिलता है या रेनबो दिखने को मिलता है। तो देखो फिर से पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल फिनोमेना विच इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट इन द स्काई, तो स्काई में अगर सनलाइट का डिस्पर्सन होना यानी सेवन कलर्स बनना, ये सिर्फ और सिर्फ रेनबो फॉर्मेशन ही यहां पे बताता है एज कंपेयर टू अदर्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नेम द साइंटिस्ट हु वाज द फर्स्ट टू यूज द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, इसाक न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर या हैंस क्रिस्टन और स्टेट, कौन था भाई। सो द करेक्ट आंसर इज बच्चा लोग इसाक न्यूटन, इसाक न्यूटन जो थे या आइजक न्यूटन जो भी बोलते हो, यही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फिनोमेनन को ऑब्जर्व किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, ओहो नाउ एसेसन रीजनिंग क्वेश्चन अब आ गया। अब एसेसन रीजनिंग में क्या रहता है कि एक एसेसन दिया रहता है, उसका रीजन दिया रहता है, वही बताना रहता है क्या एसेसन रीजनिंग दोनों सही है, हैं, और रीजन गलत है या दोनों सही है, रीजन सही है, एसेसन सही है रीजन गलत है, रीजन सही है एसेसन गलत है या दोनों गलत है, ये कुछ ऑप्शंस आपको मिले हैं, इस ऑप्शन को देख के बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चा लो क्या है कि एसेसन क्या कह रहा है कि ऑन अ क्लियर समर नाइट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ऑब्जर्व, ऑफकोर्स अंधेरे में जाओ रात में क्लियर स्काई होगा तब स्टार की ट्विंकलिंग आपको दिखेगी। रीजन बता रहा है इसके पीछे का कि द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ स्टार लाइट बाय द एटमॉस्फेयर, हेडवे ट्विंकलिंग होता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन, एटमॉस्फेरिक, क्योंकि जब लाइट आती है स्टार की तो अलग अलग एटमॉस्फेयर से छन के आती है हमारे तक, तो वन मीडियम से सेकंड, सेकंड से थर्ड, तो बेंडिंग ऑफ लाइट दिखता है दैट इज रिफ्रेक्शन और एटमॉस्फेयर के साथ हो रहा है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन की वजह से स्टार ट्विंकलिंग करता हुआ दिखता है। बट यहां पे रीजन जो बता रहा है डिस्पर्सन, डिस्पर्सन की वजह से तो रेनबो बन जाएगा, सो अपन यहां पे कह सकते हैं। अब देखो यहां पे ये भी चीज है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज कॉज्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ स्टार लाइट बाय द एटमॉस्फेयर, तो यहां पे ये क्या है, तो यार मेरे को तो रीजन गलत लग रहा है क्योंकि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन यहां पे बताया जा रहा है कि स्टार का ट्विंकलिंग होने का पीछे रीजन है डिस्पर्सन लाइट का होना, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ स्टार लाइट बाय द एटमॉस्फेयर, ओहो ओहो जस्ट वेट, यहां पे कुछ चीजें और आगे ऐड कर दिया है, डिस्पर्सन ऑफ स्टार लाइट बाय द एटमॉस्फेयर में, अलग अलग एटमॉस्फेयर में स्टार लाइट का डिस्पर्सन होना, यहां पे डिस्पर्सन को ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को कि इंटेंसिटी चेंज होना है ना, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग एटमॉस्फेयर का चेंज हो रहा है तो उसकी लाइट की इंटेंसिटी भी चेंज होगी जिसकी वजह से आपको बेंडिंग देखने को मिलता है, बट दिस इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये था लिखता सिंपली कि ट्विंकलिंग का स्टार, स्टार का ट्विंकलिंग होने का मेन रीजन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन, है ना। सो अपन ऑप्शन सी को टिक करेंगे कि एसेसन तो सही है कि क्लियर स्काई में स्टार ट्विंकलिंग होता हुआ दिखता है और रीजन जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऑन मिड डे द कलर ऑफ सनलाइट बिकम व्हाइट, दोपहर की टाइम पे बोल रहा है कि सनलाइट का जो कलर है वो व्हाइट हो जाता है, रीजन बताया जा रहा है कि नो एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू ओवरहेड सन, सन ओवरहेड पे आ जाता है ना 90 डिग्री के आसपास आ जाता है इसलिए हमें नहीं दिखता है या फिर कुछ और रीजन हो। तो गाइस देखा जाए एक तरीके से तो यस सही है, ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हो, एसर्शन तो सही है
मिड डे के आसपास सन का लाइट व्हाइट हो जाता है, और ये भी कह सकते हो सेकंड की नो एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन देखने को मिलता है बिकॉज ड्यू टू ओवरहेड सन। हमें पता है कि अगर हम ग्लास प्रिज्म पे 90 डिग्री पे अगर हम कोई लाइट को डालें तो वो लाइट ना बैंड ना इधर बैंड होगा ना वो बैंड होगा ही नहीं, वो सीधे सीधे इस तरीके से निकल जाएगा बिकॉज ऑफ क्या स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमेशा अगर रिफ्रेक्शन देखना चाहते हो तो कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए तभी रिफ्रेक्शन दिखेगा, है ना। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए एंड इज सही है, एसेसन और रीजन दोनों सही बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेकेंडरी रेनबो इज फेंटर देन द प्राइमरी रेनबो। ओके, सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन इज थ्री स्टेप प्रोसेस एंड हेंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिड्यूस। यस, ऑप्शन ए सही करते हैं सीधे आंख बंद करके। देखो यार, जब हमारा क्या होता है कि जब हमारा ये बबल है वाटर का, जब सनलाइट आती है इस तरीके से हमारा इधर कलर देखने को मिलता है, तो ये अपन का होता है प्राइमरी रेनबो। और फिर क्या होता है कि और भी लाइट्स तो हैं, और भी लाइट किसी एंगल से अंदर आती है फिर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो इसकी वजह से फिर सेकेंडरी रेनबो भी बनता है। नॉट लाइक दिस, है ना। अब ये जो लाइट निकल रही है, ये जो लाइट निकल रही है अगेन किसी एक और बबल में टकरा के फिर से इस तरीके से कलर निकलता है, तो ये हो गया सेकेंडरी रेनबो, ये हो गया प्राइमरी रेनबो। तो सेकेंडरी रेनबो की इंटेंसिटी कम हो जाती है, वो कलर बहुत हल्के हल्के दिखते हैं, ये सब चीजें बताया जा रहा है, एसर्शन और रीजन बता दे रहा है यही। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दम सही होगा कि एसर्शन भी सही है अपनी जगह पे, रीजन भी अपनी जगह पे सही है, एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसर्शन लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा और इसी के साथ साथ साइंस हमारा खत्म। ठीक है, नाउ हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आपको पता होगा सोलर साइंस चल रहेगा, है ना। चलिए, सो द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू फैक्ट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर फ्लैक्चुएट होता है। ऑफ कोर्स एकदम सही है एसर्शन, एकदम सही है, है ना। अलग अलग एटमोस्फेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तभी तो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। नाउ इन कोल्ड कंट्रीज की बात करें तो द फिनोमेनन ऑफ लूमिंग लाइक शिप अपीयर इन द स्काई टेक प्लेस बिकॉज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिक्रीजेस विथ हाइट। तो यार इसका कोई रीजन ही नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एसेसन एंड रीजनिंग आर करेक्ट बट जो रीजन है वो सही नहीं है, रीजन ये बताना चाहिए था बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक रिफ्रेक्शन की वजह से ऐसा होता है, यहां पर तो कुछ और ही जा रहा है। अपनी जगह पर एसेसन भी सही है और अपनी जगह पर रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेसन। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसी के साथ साथ यार ये चैप्टर होता है यहां पे खत्म। आई होप आपको ये पूरा यलगार बैच साइंस का अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसका आप लुत्फ भी उठाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।